हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एरिथमेटिक लॉजिक सिप्ट यूनिट। तो बेसिकली इस यूनिट में क्या होता है कि इट कम्बाइंस ऑल द फंक्शन, दैट इज एक है एरिथमेटिक सर्किट, एक लॉजिक सर्किट और एक शिफ्ट सर्किट है, शिफ्ट राइट एंड लेफ्ट। तो एरिथमेटिक लॉजिक शिफ्ट यूनिट में क्या होता है, तीन डिफरेंट चीज कंबाइंड होते हैं, एक है अरिथमेटिक, दूसरा है लॉजिक, तीसरा है शिफ्ट। तो तीनों के लिए डिफरेंट डिफरेंट सिलेक्शन लाइन है, डिफरेंट डिफरेंट सर्किट्स है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, एक अरिथमेटिक सर्किट है, एक लॉजिक सर्किट है, एक मल्टीप्लेक्सर है और डिफरेंट सिलेक्शन लाइन्स एंड इनपुट लाइन्स हैं। तो पहले क्या है कि S0 S1 आर टू सिलेक्शन लाइन। तो ये जो S0 S1 है वो दोनों का इनपुट एरिथमेटिक सर्किट को भी दिया गया है, इस लाइन से आप देख सकते हैं, और दोनों का इनपुट लॉजिक सर्किट को भी दिया गया है। फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट टू सिलेक्शन लाइन S2 एंड S3। तो S2 एंड S3 बोथ द सिलेक्शन लाइन ऑफ द मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। उसके बाद AI एंड BI और दो टाइप के इनपुट हैं। तो AI BI यूनिट भी दोनों ही अरिथमेटिक सर्किट को भी दिया गया है, यहाँ पे लॉजिक सर्किट को भी दिया गया है। उसके बाद AI-1 एंड AI+1, दो जो इनपुट लाइन्स हैं, AI-1 है शिफ्ट राइट के लिए, AI+1 है शिफ्ट लेफ्ट के लिए, ठीक है। तो अरिथमेटिक सर्किट में ये जो CI है ये कैरी है, कैरी इनपुट है, CI+1 भी कैरी आउटपुट बोल सकते हैं हम लोग, यहाँ पे देख सकते हैं ये इनपुट या आउटपुट बोल सकते हैं, पर सी बेसिकली रेफर्स टू कैरी, ठीक है। तो अरिथमेटिक सर्किट का जो आउटपुट है वो है हमारा DI एंड लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है वो है EI। तो अरिथमेटिक एंड लॉजिक सर्किट का जो आउटपुट है वो एक एक इनपुट है फॉर द मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। तो ये जो आउटपुट ऑफ अरिथमेटिक सर्किट DI है ये 0th वैल्यू के लिए है और EI का वैल्यू 1 के लिए है, ठीक है। उसके बाद ये जो शिफ्ट राइट है, दिस इज फॉर वैल्यू 2 और पॉइंट 2 और पिन 2, एंड शिफ्ट लेफ्ट जो है ये 3 के लिए है, ठीक है। तो मल्टीप्लेक्सर 4:1 है, तो चार इनपुट है मल्टीप्लेक्सर में, जो 0 है, 0th इनपुट है, दैट इज द आउटपुट ऑफ एरिथमेटिक सर्किट, जो फर्स्ट इनपुट है, और एक वैल्यू जो लाइक पहला जो है 0th पिन के लिए वो आउटपुट ऑफ अरिथमेटिक सर्किट के लिए, सेकंड जो है आउटपुट ऑफ लॉजिक सर्किट, फिर थर्ड वाला जो है सेकंड लाइन वो है शिफ्ट राइट के लिए, एंड फोर्थ वाला जो है ये थर्ड पिन वो शिफ्ट लेफ्ट के लिए है, ठीक है। काउंटिंग में चार है पर नंबरिंग 0, 1, 2, 3 है, और जो सिलेक्शन लाइन है S2 S3 है और उसका आउटपुट है FI, ठीक है। ये तो है सर्किट, लेकिन अभी हम लोग देखेंगे बाय टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑल द सिलेक्शन लाइन एंड कैरी वैल्यू व्हाट आर द ऑपरेशंस। तो पहले मैं एक चीज आपको बता देती हूँ कि 0 0 इज कंसिडर्ड फॉर अरिथमेटिक। ये कैसे हो रहा है मैं इस टेबल के हिसाब से समझाऊंगी। 0 1 इज फॉर लॉजिकल, 1 0 इज फॉर शिफ्ट राइट, एंड 1 1 इज फॉर शिफ्ट लेफ्ट। CI इज फॉर कैरी ऑपरेशन, देन S0 S1 आर द सिलेक्शन लाइन, देन ठीक। अभी हम लोग टेबल देखेंगे। तो अब ये फर्स्ट जो 8 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8, आप यहां तक अगर मार्क करेंगे, ठीक है, इस वैल्यू तक अगर मार्क करेंगे, 8th वैल्यू तक, आपका आप देख सकते हैं कि S2 एंड S3 बोथ आर 0 अप टू 8th वैल्यू, जहां पे S1 S0 और CI को लेके आपका वैल्यू क्या क्या है, 0 0 0 0 0 1 अप टू 1 1 1, मतलब ये तीनों का वैल्यू 0 to 7 है, टोटल 8 वैल्यू, वर S2 एंड S3 आर कंप्लीटली 0। तो इसको देख के आपको ये समझना है कि वेर एवर S3 एंड S2 इज कम्प्लीटली 0 0 फॉर ऑल दिस 8 वैल्यू, इट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग एरिथमेटिक ऑपरेशन, ठीक है।
तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है फॉर एट वैल्यूज. उसके बाद जो है 0 1 इज फॉर लॉजिकल, वो आपको कैसे समझ में आएगा, ये चार जो है आप देख सकते हैं S3 S2 में 0 1 0 1 0 1 0 1 है, तो ये है लॉजिकल ऑपरेशन. लास्ट में 1 0 है, दिस इज फॉर शिफ्ट राइट, एंड लास्ट में 1 1 है, दिस इज फॉर शिफ्ट लेफ्ट. ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे क्या फंक्शन हो रहा है. ऑल जीरो के लिए एफ इज इक्वल टू ए, ठीक है, एफ इज इक्वल टू ए. उसके बाद यहाँ पे 0 0 अगर कैरी का वैल्यू 1 है तो ए प्लस 1 है, अगर 0 1 0 है तो ए भी ऐड हो रहा है, फिर 1 1 है तो ए बी प्लस 1, मतलब एक एक वैल्यू इंक्रीज हो रहा है. 0 से 1 करेंगे तो 1 है, फिर ए प्लस बी मतलब 2 हो गया, फिर 2 प्लस 1 इज 3, फिर अगर 1 0 0 है तो ए प्लस बी कॉम्प्लीमेंट, 1 0 1 है तो ए बी कॉम्प्लीमेंट. तो क्योंकि अगर आपका वन ए का वैल्यू 0 है, 1 प्लस ए अगर 1 हुआ आपका, देन ए प्लस बी क्या है, तो पहले आपका अगर ए 0 था इसीलिए बाय एडिंग 1 1 हुआ, तो बी अगर 1 0 मतलब आ रहा है, इसका वैल्यू 2 आ रहा है, तो ए 0 था तो इसका वैल्यू कितना 1 ही होगा ना. तो उसी तरह 1 से 1 हम लोग ऐड किए, 1 1 से 1 1 0 से 1 ऐड किया, मतलब 2 से 1 ऐड किए तो 1 1 हुआ, फिर ए बी बार मतलब बी अगर 1 था तो 0 हो गया, अगर ए बी बार 1 मतलब 1 इज 1, ए इज 1, बी बार है 0, और ये जो 1 ऐड हुआ है ये 1. तो उसी तरह ये इसमें कुछ आप लोगों को उतना ज़्यादा समझना नहीं है, बस यही जानना है कि जब फर्स्ट 8 वैल्यू पे S3 एंड S2 आर बोथ 0, ये अरिथमेटिक ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे अप टू ए माइनस 1 तक, जहाँ पे 1 1 0 है, लास्ट 1 1 1 है तो अगेन 1 है. उसके बाद जब S3 एंड S2 0 1 0 1 0 1 0 1 है, ये चारों के लिए लॉजिकल ऑपरेशन, क्योंकि 1 0 0 एंड ये यहाँ पे कैरी का वैल्यू नहीं काउंट होगा क्योंकि ये अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं है, तो ये ए एंड बी हो रहा है, ए और बी, ए एक्सोर एंड ए कॉम्प्लीमेंट हो रहा है. और जब लास्ट में 1 0 एंड 1 1 है, हम लोग S0 S1 एंड C किसी को भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, शिफ्ट राइट एंड शिफ्ट लेफ्ट ऑपरेशन कर रहे हैं. तो इतना ही आपको समझना है, और ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस डाइग्राम और टेबल याद रखना है.